सो हे गाइस, दिस इज सिंह शुक्ला फ्रॉम बीआरडी लखनऊ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा होगा कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, या फिर आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि हम लोग कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर्स को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, उनको हिंदी समझ में आती है या फिर इंग्लिश समझ में आती है, या फिर वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझते। आज हम लोग एकदम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं या फिर मशीन जो होते हैं, उनको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है। सो फ्रेंड, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, हिंदी में बना रहा हूँ, तो आप भी हिंदी समझ रहे हैं, इसीलिए आप हमारी वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो जैसे अगर आपको मुझसे कुछ बोलना हुआ कि जाके जैसे गेट बंद कर दो, तो मैं जाके गेट बंद कर दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनको ना हिंदी समझ में आती है ना इंग्लिश समझ में आती है। मतलब ह्यूमंस की कोई भी लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है। हमारे कंप्यूटर सिर्फ जो दो चीज़ समझते हैं, सिर्फ और दो चीज़, जीरो और वन। हमारे कंप्यूटर्स को सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जीरो का मतलब होता है फॉल्स और वन का मतलब होता है ट्रू। आप सिर्फ ये समझिए कि हमारे कंप्यूटर्स को जीरो और वन समझ में आता है। मतलब अगर हमें कंप्यूटर्स को बोलना हुआ कि बंद हो जाओ या फिर शट डाउन हो जाओ, तो हमें कंप्यूटर्स को जीरो और वन के फॉर्म में हमको कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तब वो जाके समझेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब भी कंप्यूटर्स के जो बटन रहता है शट डाउन, वहाँ पर जब हम लोग क्लिक करते हैं, तो हमारा कंप्यूटर वहाँ पे ऑफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि हमने वहाँ पे शट डाउन पर क्लिक किया, हमने उसको शट डाउन ही करने को कहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग थोड़ा इसको डीप में समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है दो तरीके का, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो फ्रेंड्स, जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, वो हमारे मशीन को अच्छे से समझ में आता है। मतलब लो लेवल लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर्स को अच्छे से समझ में आता है। जो जीरो और वन है, यही लो लेवल लैंग्वेज है, इसको बाइनरी बोलते हैं। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, वो हमें इंसान को अच्छे से समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत हैं, जैसे सी, जावा, पाइथन, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। और उसके बाद हमारा कन्वर्टर वहाँ पे होता है, जो उसको कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जैसे आप कहीं पे स्पीच देने जाते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है, और वहाँ पे जो आपके ऑडियंस है, ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको अपने साथ में एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, जो आपकी हिंदी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दे इंग्लिश में, और उसके बाद आपकी ऑडियंस समझ जाए कि आप क्या बोल रहे हैं। फिर वहाँ से आप जो रिप्लाई आए, आपका जो कन्वर्टर है या ट्रांसलेटर है, वो कन्वर्ट करके उसको हिंदी में आपको बताएं, तब आप भी अपने ऑडियंस का आंसर समझ पाएंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, दो तरीके की होती है, एक लो लेवल, एक हाई लेवल। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग हाई लेवल में प्रोग्रामिंग करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमारे ट्रांसलेटर होते हैं, जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जीरो और वन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे कंप्यूटर समझ जाते हैं कि हम उनसे क्या बोल रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर को डायरेक्ट 2+3 नहीं बोल सकते, क्योंकि 2+3 उनको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या है। तो हमको अगर 2+3 उनसे पूछना होगा, तो हमको यही चीज़ 0 और 1 के फॉर्म में हमको कंप्यूटर से पूछना होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो 2 और 3 जब हम लोग कैलकुलेटर में अपने देते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रांसलेटर होता है, वो हमारे इसको कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज, मतलब इसी को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो वहाँ पे हमारे मशीन समझ जाते हैं कि हम उनको क्या बोल रहे हैं, फिर वो उसको सॉल्व करके हमको बताते हैं, फिर वही जो कंपाइलर, मतलब ट्रांसलेटर जो होता है, वो कन्वर्ट कर देता है हमारी लैंग्वेज में। तो हम लोग वो समझ जाते हैं कि हम लोग अपना आंसर समझ जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि जैसे हमें अगर कंप्यूटर को बोलना होगा 15, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे 15 कंप्यूटर को नहीं बोल सकते, हमको का बाइनरी फॉर्म में बोलना होगा। 15 का बाइनरी फॉर्म होता है 1111, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 15 का बाइनरी फॉर्म है। और वैसे अगर हमें कंप्यूटर को बोलना हुआ 12, तो हम लोग डायरेक्ट 12 नहीं बोल सकते, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 12 का बाइनरी फॉर्म होता है 0011। तो फ्रेंड्स, अगर हमें कंप्यूटर को कुछ भी बोलना हुआ, मशीन को कुछ भी बोलना हुआ, तो हमें बाइनरी फॉर्म में बोलना होगा, 0 और 1 में, जो कि हम इंसान के लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं अपनी लैंग्वेज में करते हैं, और वहाँ पे ट्रांसलेटर होते हैं जो इसको कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो हमारे कंप्यूटर समझ जाते हैं कि हम उनसे क्या बोल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग कंप्यूटर से बात कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।